મારું નામ સુરભી છે, હું ધોરણ 10માં ભણું છું. હું અહીંયા 5 વર્ષથી અભ્યાસ કરું છું. અહીંયા મને ભણવું ખૂબ જ ગમે છે. અહીંયા મને પૈસા વગર, એટલે કે ફી લીધા વગર જ ભણાવે છે, વિના મૂલ્યે ભણાવવામાં આવે છે. અહીં ચોપડા, દરેક વસ્તુ મને ફ્રીમાં મળે છે, તેથી મને શિક્ષકો પણ મને ખૂબ સહાય કરે છે, જેથી હું આગળ વધું, મારા માતા પિતાનું અને આ શાળાનું તથા શિક્ષકોનું નામ રોશન કરું. મારી આ બહેનપણીઓ છે, તે પણ મને ખૂબ મદદ કરે છે. થેન્ક યુ. મારું નામ પ્રજાપતિ રમેશભાઈ નારાયણભાઈ. હું છેલ્લા 19 વર્ષથી વિકલાંગ બાળકોની શાળામાં મદદ શિક્ષક તરીકે કામ કરું છું. મારું કામ બાળકોનો વિકાસ થાય, બાળકો શિક્ષણમાં આગળ વધે એ જ આશા છે. મારું નામ નીલ રાવલ છે. હું આઈટીઆઈમાં 1 વર્ષથી અહીંયા આગળ અભ્યાસ કરી રહ્યો છું. આ સંસ્થા દ્વારા દિવ્યાંગોને ખૂબ જ સારી રીતે અને બધા વિદ્યાર્થીઓને સરળ રીતે એમને મદદ કરવામાં આવે છે. हमारा बच्चा यहाँ आया, हमको कोई बात की टेंशन नहीं है. बाकी हम लोग इतना फिक्र करते थे, बच्चे के पैर में इतना बड़ा ऐप था, लेकिन यहाँ आने से हमको लगता है कि हमारा बच्चा कुछ बन के निकलेगा. इसके लिए हमको कोई टेंशन नहीं है. और यहाँ की खाना पीना सब देखभाल बहुत अच्छी है. यहाँ बच्चा जो भी आए उसके लिए कोई टेंशन नहीं है. माँ बाप खुश होकर बच्चे को रोज़ स्कूल भेजते, और बच्चा भी आज तक कोई चीज़ की शिकायत नहीं करेगा, सर की, टीचर की, यहाँ के माहौल की. हर चीज़ यहाँ अच्छी है, खाना पीना हर व्यवस्था अच्छी है. પદ્મસિંહ કનુભાઈ ટેલર, સ્થાપક અધ્યક્ષ ડિસેબલ વેલફેર ટ્રસ્ટ ઓફ ઇન્ડિયા, સુરત. મેં જન્મ સે દોનો પાંવ સે વિકલાંગ થા. મેરે માં બાપ કી પરિસ્થિતિ ભી, આર્થિક પરિસ્થિતિ બહોત ગરીબ થે. એક છોટા સા ગાંવ મેં મેરા જન્મ હુઆ થા, આણંદ કે પાસ અડાસ ગાંવ હૈ. 5,000 की कम से कम बस्ती होएगी. माँ बाप बहुत गरीब थे, उनके लिए पढ़े लिखे नहीं थे, तो मुझे
बुखार आया, बुखार में वो लोग मुझे पहले तो बुआ मंदिरों में पीछे लगाने में मुझे ले गए। बहुत सारे दिन ऐसे ट्रीटमेंट किया पर बुखार नहीं उतरा। फिर मुझे डॉक्टर के पास ले गए तो एक हफ्ते के बाद डॉक्टर ने मेरे को पाँव में मेरे को इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगने से मेरा बुखार उतर गया पर साथ में मेरा दोनों पाँव भी ले गया। उनके बाद माता पिता ने मंदिरों में भूत बुआ के पास जाना छोड़ा नहीं। फिर मैं 3 साल का हुआ तब माँ बाप ने चिंता हुई कि मेरे बेटे चलते क्यों नहीं है, तो वो मुझे आनंद शहर में मिशन हॉस्पिटल में बताने के लिए ले गए। तो वहाँ के डॉक्टर ने बोल दिया कि उसको दोनों पाँव आजीवन वो विकलांग रहेगा, अपाहिज रहेगा, वो चल नहीं सकेगा। तो माँ बाप ने पूछा क्यों, बोले उनको पोलियो हो गया है। जब ये बात 1956 की है तब इतनी सुविधा नहीं थी, इतनी जागरूकता नहीं थी, पोलियो का क्या है वो लोगों को मालूम नहीं था। फिर जब घर पे आए तब किसी ने बोला कि माताजी का रथ उसके पर घूम गया है, किसी ने बोला कि उनको किसी ने मूठ मार दिया है, किसी ने बोला कि गत जन्म का बहुत पाप होएगा तो ये जन्म उनके पास ऐसा जन्म हो गया। और गांव में मेरे जैसे बहुत बच्चे लोग, मैं अकेला ही अपाहिज था। एक खुशी से मैं देखता हूँ तब मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं छोटा था तब मेरे लिए तो कोई सुविधा नहीं किया था और भगवान की कृपा से, साईं बाबा की कृपा से आज मेरे बच्चों को ये सगवड़ मिल रही है, सुविधा मिल रही है। मैं तो नहीं करता, ये सब भगवान की कृपा से होता है। जिसके साथ भगवान होता है उसके साथ सब कार्य आपको आप हो जाता है। ये क्रेडिट मेरी नहीं है, ये भगवान की क्रेडिट है और भगवान सब कार्य में सफलता देते हैं। अभी मेरा 2 सपना अधूरा है, तब तक भगवान को मैं प्रार्थना करूँगा कि मेरा 2 सपना पूरा करो। एक तो भारत में और साफ कंट्री में दिव्यांगों के लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, विश्वविद्यालय ही नहीं है, तो मैं एक विश्वविद्यालय खोलने का मेरा एक संकल्प है। क्योंकि बाहर से लोग आके पढ़े, पढ़ने के बाद उनकी आपो आप उसकी विकलांगता दूर हो जाती है। जो इंसान पढ़ता नहीं है वो मेरे मन विकलांग ही है। और दूसरा, पूरी दुनिया में दिव्यांगों के, ओल्ड दिव्यांगों के लिए ओल्ड होम नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है। मैं रेलवे स्टेशन, बगीचा, बस स्टैंड, फुटपाथ पे मैं देखता रहता हूँ, तब मैं आपो आप अंदर से आत्मा मेरे को कहती है कि ये दिव्यांग होएगा। फिर उनके पास जाके मैं देखता हूँ तब वो सच्ची में दिव्यांग होता है, तब मेरा आत्मा बहुत दुखी हो जाता है और मनोमन मैं इतना दुखी होता हूँ कि भगवान तूने ये दिव्यांग की कैसी जिंदगी बनाई, सारी जिंदगी तूने उसको दुख दिया, मृत्यु के समय भी उनका कोई नहीं रहा, वो ऐसे लावारिस बन के वो फुटपाथ पे पड़ा है। तब दुखी हो जाता हूँ, संकल्प करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ। पूरे देश में बहुत ओल्ड एज होम है, सूरत में भी बहुत लोगों को मैं मिला और कहा कि भाई आप मेरे दिव्यांग को आपके ओल्ड एज होम में रखो, ना बोल देते हैं, हम नहीं रखेंगे। तो मेरा एक ऐसा भी सपना है, 2 सपना, कि मैं जीवन के
अंत तक एक कॉलेज हो और एक यूनिवर्सिटी में बनाऊंगा। आप लोग मुझे आशीर्वाद देना कि मेरे सपने पूरा हो जाए। मैंने सोचा था कि मैं स्कूल बनाऊंगा, हॉस्टल बनाऊंगा, हॉस्पिटल बनाऊंगा, फिजियोथेरापी बनाऊंगा, रिहैब सेंटर बनाऊंगा। सब सपना मेरा पूरा हो जाता है भगवान की कृपा से, आप लोगों का आशीर्वाद से। तो मुझे आपका आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, पर आप जहाँ भी हो, जो धर्म में मानते हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ख्रिस्ती हो, कोई भी आप ज्ञाति के हो, तो आप जो भगवान से प्रार्थना करना कि ये बच्चों को लिए मुझे करने की शक्ति दे। और आपका आशीर्वाद, आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी मुझे ये दो संकल्प मुझे पूरा करने की मेरी जो तमन्ना है वो पूरी हो जाए, यही अभ्यर्थना के साथ मैं आप सबको वंदन करता हूँ। नमस्कार।